अनिल नागपाल जी हैं गुरुग्राम से। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी नमस्कार जी, मेरे पास HDFC लिमिटेड के 660 शेयर्स हैं जो 2413 के रेट पे ले रखे हैं। तो क्या जी घबरा रहा है क्या आपका? नहीं, घबरा नहीं रहा, मतलब ये जिस टाइम लिया था उस टाइम काफी एक्टिव था और ऊपर जाने की पूरी उम्मीद लग रही थी, बट थोड़ा डाउन आता जा रहा है तो इसलिए पूछ रहे थे तो क्या क्या कर सकते हैं। एक दो महीने का नजरिया है क्या? हाँ जी हाँ, मानस जी, अनिल नागपाल जी ने एक दो महीने के नज़रिए से HDFC रखा है और दिक्कत ये है कि 35 रुपये नीचे इनके भाव से। तो देखिए, अगर अगर टाइम फ्रेम इनका 2 से 3 मंथ का है तो भी मैं बोलूंगा कि बने रहिए। देखिए, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहां पर कंसोलिडेट हो रहा है और अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने हाई टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन दिया। अब एक एक बड़ा हर्डल है 2425 रुपए। अगर ये 2425 के ऊपर निकला तब तो आपको सबसे पहले तो 2510 और उसके बाद शायद 2575 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो HDFC लिमिटेड में बने रहने की राय रहेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 2320 रुपए का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।